सरकार का जोर देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले दलित पिछड़े भाई बहनों को स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है। और इसलिए जब हमने स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया तो साथ ही ये भी तय किया कि इस योजना के माध्यम से हर बैंक ब्रांच कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति को कर्ज जरूर देगी। भाइयों और बहनों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश में रोजगार के मायने बदलने वाली मुद्रा योजना के लगभग 60% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 10.25 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं और लोगों को बिना बैंक गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है।